ग्रंजी बैकग्राउंड. वेल, ये जो बैकग्राउंड है ग्रंजी बैकग्राउंड, ये आजकल बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी मूवी पोस्टर में या किसी भी प्रोजेक्ट में किसी बैकग्राउंड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. और ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो ग्रंजी बैकग्राउंड्स खुद तैयार करें. और इसके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल इस DVD 3 में शामिल किया है. उसके लिए मैंने ये जो आपके सामने एक डर्टी लुक है बैकग्राउंड की, इसका मैंने इस्तेमाल किया है. आप किसी भी कॉन्सेप्ट के जो टाइटल्स होते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा ग्राफिक बना रहे हैं जिसमें आपको नेम्स बनाने हैं, शामिल करने हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये जो डर्टी लुक बैकग्राउंड्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है. और मीडिया प्रेजेंटेशन में भी ऐसे बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया जाता है. तो उसके लिए जो मैंने इमेजेस यूज़ किए हैं वो इमेजेस आपको प्रोजेक्ट फोल्डर में मिलेंगे. और आई यूज़ दिस ओल्ड पेपर एंड आई यूज़ दिस इमेज. हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब लगे कि इस इमेज का इस्तेमाल किस तरह किया गया है, बट आई एम गोना शो यू गाइस दैट हाउ डिड आई डू दिस. और मैंने इस इमेज का इस्तेमाल तो नहीं किया, मगर आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ इन योर ओन प्रोजेक्ट्स. एंड दिस इज़ ए JPEG फाइल ऑफ ग्रंजी बैकग्राउंड, और इसमें जो आपको PST फाइल ग्रंजी बैकग्राउंड की अवेलेबल है. सो यू गाइज कैन फॉलो अलॉन्ग मी इन दिस ट्यूटोरियल. तो सबसे पहले मैं जो अपनी ओल्ड पेपर पिक्चर है इसको डबल क्लिक करूँगा टू लोड इन टू फोटोशॉप. ओके, हम लोगों ने अपनी जो पिक्चर है इसको ओपन किया है इन फोटोशॉप CS3. और जो सबसे पहला मैं काम करूँगा वो है इमेज, रोटेट कैनवास एंड आई एम गोना एंड क्लिक 90% क्लॉकवाइज. और मैं इसको एक दफ़ा जूम करूँगा सो यू गाइस कैन हैव ए क्लियर लुक. ओके, जो सबसे पहले चीज़ हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, वेल, ग्रंजी बैकग्राउंड्स की एक तरतीब नहीं होती. यू हैव टू मेक ए डर्टी लुक, और उसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन डू सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स, आप उसके लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. और ये लाजमी नहीं है कि अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आप लोग सेम जो ग्रंजी इफेक्ट जो आप कहीं भी देखेंगे आप बना सकते हैं. हर ग्रंजी इफेक्ट में जो स्टेप्स हैं वो चेंज हैं, लेकिन अगर आपको फोटोशॉप अच्छी तरह आता है और आप उसके मास्टर हैं, सो वॉट यू गाइज कैन डू, यू कैन जज के इस ग्रंजी लुक में कौन कौन से इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. वेल, फॉर नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू आई एम गोइंग गो एंड मेक ए न्यू लेयर. और मैं यहाँ से अपना जो ग्रेडियंट टूल है इसका इस्तेमाल करूँगा, और मैं कोई से भी जो टू कलर प्रीसेट है उसका इस्तेमाल करूँगा, और कोई से कलर जो है उनको मैं सेलेक्ट करूँगा. लाइक फॉर दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग गो यूज दिस. वेल, अगर आप मुझे इस ट्यूटोरियल में फॉलो कर रहे हैं तो आप कोई भी दो कलर ले सकते हैं विच यू लाइक. और मैं यहाँ से इस इमेज के सेंटर बॉर्डर में जाऊँगा और शिफ्ट को प्रेस करूँगा, और मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा दिस ग्रेडियंट एंड आई एम गोना अप्लाई दैट. जो नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगा वो है इस ग्रेडियंट का जो ब्लेंडिंग मूड है इसको मैं चेंज करूँगा एंड आई एम गोना सेलेक्ट ओवरले. वेल, राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस ग्रंजी इफेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आप लोग इसी तरह दूसरे इमेजेस का इस्तेमाल करके आप लोग अपने लिए एक ग्रंजी लुक बैकग्राउंड बना सकते हैं. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी इन दिस ट्यूटोरियल यू कैन यूज़ दिस इमेजेस, और आपको यही सेम इफेक्ट मिलेगा जब आप ये ट्यूटोरियल पूरा करेंगे. सो दिस इज़ ए ग्रेडियंट जिसका ब्लेंडिंग मूड है वो मैंने ओवरले किया है एंड आई एम गोना पुल डाउन अ पेस्टी अ लिटिल बिट. सो हियर यू कैन सी ए न्यू लुक ऑन दिस पेपर. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. अब मैं इसके ऊपर जो इफेक्ट यूज़ करूँगा वो है क्लाउड्स का, जो कि हम लोगों ने इस DVD कोर्स में बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है. एंड मेक श्योर कि आपने एक न्यू लेयर बनाई है एंड आई एम गोना गो टू फिल्टर ब्रेंडर एंड क्लाउड्स. बट मेक श्योर आपके जो यहाँ पे कलर पैलेट हैं, अगर आपने उसमें कोई और कलर चूज़ किया है सो यू कैन रीसेट योर कलर बाय प्रेसिंग D एंड X की. सो यू कैन रीसेट एंड देन यू कैन चूज योर क्लाउड्स ऑप्शन. और ये जो क्लाउड्स हैं इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको मैं चेंज करूँगा अगेन टू ओवरले. और इसकी जो ओपेसिटी है मैं उसको कम करूँगा थोड़ा सा.
ऑलराइट दैट्स ग्रेट. ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं और ये जो हमारे पास फिल्टर इफेक्ट्स अवेलेबल हैं इन फोटोशॉप CS3, अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ आप काम करेंगे तो ये आपको जल्दी से जल्दी याद होंगे कि किस इफेक्ट का क्या काम है और मेरे प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं. सो आई नो दीज इफेक्ट्स, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग एंड प्लेइंग विद ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड्स. हम लोगों ने एक न्यू लेयर ऐड की है एंड वी एडेड क्लाउड्स इन इट, और मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर लूंगा एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट माई फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक. और मैं यहाँ से अपना ब्रश लूंगा एंड मेरे ब्रश का जो मास्टर डायमीटर है मैं उसको थोड़ा बड़ा करूँगा, लाइक अबाउट दिस, एंड हार्डनेस ऑल द वे टू 0%. और मैं यहाँ पे स्लाइटली जस्ट रैंडमली कुछ ब्लैक डॉट्स जो हैं उसको शामिल करूंगा एंड यू कैन यूज योर नेविगेटर टू जूम इन एंड जूम आउट क्विकली. ये जस्ट रैंडमली है, आप अगर मुझे स्टूडियो में फॉलो कर रहे हैं सो यू कैन डू एज यू लाइक. और अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव ए न्यू लुक ईच टाइम व्हेन यू मेक योर ओन ग्रंजी बैकग्राउंड्स. ऑलराइट दैट्स ग्रेट. अब मैंने जो यहाँ पे एक ब्लैक बॉर्डर बनाया है मैं इसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको चेंज करूँगा टू सॉफ्ट लाइट एंड यू कैन सी कि ये जो ब्लैक जो हम लोगों ने यहाँ पे डॉट्स बनाए थे वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ये पेपर या ये जो बैकग्राउंड है ये बर्न है यहाँ से. सो इट्स अ बर्निंग इफेक्ट. अगर आप किसी भी इमेज में, किसी भी तस्वीर में, किसी भी इमेज में फेस के ऊपर आप अगर ब्लैक ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और उसका जो ब्लेंडिंग मूड है उसको आप सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करेंगे सो इट्स गोना गो इन समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट दैट्स ग्रेट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज मैं यहाँ पे एक इमेज का इस्तेमाल करूँगा. सो आई एम गोइंग बैक टू माई डबी ब्रिज. ये इमेज है जो कि हम लोगों ने इस्तेमाल किया है. अगर हम लोग फाइनल देखें तो आप लोग यहाँ पे ये जो ब्लैक साइंस देख रहे हैं, जो ब्लैक आपको कलर नज़र आ रहा है, एक्चुअली दीज आर द बिल्डिंग्स. और यही एक लुक है जो कि एक डर्टी लुक पैदा करता है. एंड आई एम गोना डबल क्लिक दिस इमेज टू लोड इन फोटोशॉप CS3. ओके, मेरे पास यहाँ पे ये इमेज ओपन है और इसके ऊपर जो मैंने सबसे पहले इफेक्ट शामिल किया है वो है इमेज एडजस्टमेंट एंड थ्रेशोल्ड. हैव अ लुक. आप लोग ये जो बिल्डिंग्स में यहाँ पे आप जो ब्लैक कलर देख सकते हैं ये आप थ्रेशोल्ड की जो लेवल्स हैं उसको आप मूव करके यहाँ पे आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं एंड आई एम हैप्पी विद दिस वन एंड आई एम गोना प्रेस ओके. अब मैं यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप करूँगा एंड आई कैन पुट इट समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस. मेक श्योर कि जो पिक्चर है ये कैनवस से बाहर है ताकि आपके जो आपका जो बैकग्राउंड है उसको पूरी तरह कवर करे. आई एम गोना गो एंड यूज मल्टीप्लाई फॉर द ब्लेंडिंग मोड. वेल यहाँ पे ये भी एक बैकग्राउंड है, एक दिस इज ए काइंड ऑफ ए बैकग्राउंड, बट इफ यू लाइक टू यूज दैट यू कैन यूज इट, बट आई एम गोना गो एंड पुल डाउन द ओपेसिटी अबाउट 13%. दैट्स ग्रेट. हम लोगों ने तकरीबन तकरीबन अपना जो ग्रंजी बैकग्राउंड है उसको तैयार कर लिया है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, एक नया इफेक्ट देना चाहते हैं, सो इट्स बी डिपेंड्स ऑन यू कि आप एक न्यू लेयर लें और उसमें अपनी मर्जी का कोई भी कलर ऐड करें. लाइक मैं गोना फॉर ब्लू, प्रेस ओके,
और मैं इसको फिल करूंगा विद ऑल्ट एंड बैक स्पेस. सो मैंने फिल दैट. ये सेम इफेक्ट जो कि हम लोगों ने अप्लाइंग स्टैट्यू ट्यूटोरियल में भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, इस ट्यूटोरियल में भी हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस इफेक्ट से कि आप लेयर को फिल करते हैं और उसके ब्लेंडिंग मूड के साथ आप लोग कुछ प्ले करते हैं. इससे आपको अपने प्रोजेक्ट में एक एक तो नया लुक मिलता है, और इसके अलावा आप लोग अपने जो इमेजेस हैं जो कि आपने प्रोजेक्ट अभी तैयार किया है, आप उसको टोटली चेंज भी कर सकते हैं. सो आई एम गोना गो एंड चेंज दैट टू ओवरले. सो हैव अ लुक दैट दिस ग्रंजी लुक इज नाउ अ लिटिल बिट येलो एंड लिटिल बिट ग्रीन. इट्स काइंड ऑफ ग्रीन बट यू कैन प्ले विद ओपेसिटी, और आप इसकी जो लुक है उसको बैक टू ओरिजिनल सेटिंग एंड यू कैन सी दिस कलर इफेक्ट. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ आई डिजाइन दिस ग्रंजी बैकग्राउंड एंड आई यूज दिस सेम टेक्निक्स. आप लोग भी इमेजेस को कलेक्ट कर सकते हैं और उनसे ये जो ग्रंजी बैकग्राउंड है इनको तैयार कर सकते हैं, और आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर आप इस पे एक ग्रंजी टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आपने बहुत सी मूवीज, हॉलीवुड मूवीज या बॉलीवुड मूवीज में जो टाइटल्स आते हैं या मूवी नेम आते हैं उसमें आपने जो टेक्स्ट देखा होगा, दैट्स काइंड ऑफ ग्रंजी. इट्स नॉट ए फॉन्ट, ये कोई फॉन्ट नहीं है. आपको मार्केट में ऐसी फॉन्ट्स अवेलेबल भी होंगी ग्रंजी फॉन्ट्स, या फिर अगर आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ग्रंजी फॉन्ट्स भी मिल सकती हैं. लेकिन आप किस तरह खुद एक ग्रंजी फॉन्ट बना सकते हैं, वी गोना गो एंड लर्न इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल.